लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान। लखनऊ से बड़ी खबर, विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान। सीएम योगी करेंगे अपने सरकारी आवास से इस अभियान की शुरुआत। आपको बता दें, पूरे प्रदेश में आज से 31 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो वहीं संक्रामक बीमारी के बचाव की जानकारी भी इस अभियान के माध्यम से आपको मिलेंगी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इस अभियान के तहत लोगों को बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। 30 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जाएगा, एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। चित्रकूट में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को 3 टुकड़ों में विभाजित करके संपूर्ण विद्युत वितरण का निजीकरण करने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ध्यानाक्षरण अभियान के तहत बिजली कर्मचारी जूनियर इंजीनियर लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन का विरोध व्यक्त किया गया। इस मौके पर संघर्ष समिति के संयोजक अधिशासी अभिनेता अनिल दुबे, मंत्री अनुपम कुमार आदि वक्ताओं के ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किए जाने की दशा में निगम में कार्यरत कार्मिकों को सेवा शर्त बुरी तरीके से प्रभावित हो। तो हम लोग जो है इसको कतई जो है स्वीकार्य नहीं करेंगे, और जो इसके लिए जो हम लोगों के मतलब संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से जो भी निर्देश है, अभी फिलहाल हम लोग 4 तारीख तक जो है 2 से 5 तक जो है धरने के लिए हम लोगों को निर्देश है, तो उसके लिए हम लोग ये धरना कर रहे हैं। और हम लोग किसी भी हालत में किसी भी तरह से ये चीज़ स्वीकार नहीं करेंगे कि हम लोगों का एक अंग जो है काट करके अलग कर दिया जाए। प्रदर्शन हम लोग पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण के विरोध में कर रहे हैं, क्योंकि उन पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हम लोग का एक डिस्कॉम है हमारे UPPCL का, जिसको पूर्ण रूप से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ बहिष्कार कर रहे हैं। अयोध्या के विवाद